नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्स विचार में। जहाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए आईपीओ पे रिव्यू, ग्रे मार्केट प्रीमियम, लिस्टिंग गेन, ये सारा एनालिसिस करता रहता हूँ। और आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो प्लीज़ मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज के तारीख में फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर आने वाले दिनों में पेड अप हो सकता है, तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जहाँ उनका डिटेल देखेंगे, उनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है वो देखेंगे, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है वो देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखेंगे, क्या मेन उनके ऑब्जेक्ट्स इशू लाने के है, आईपीओ के जो टाइम टेबल है, टेंटेटिव टाइम टेबल हम उसका देख लेंगे, अनुपम रसायन के आईपीओ लॉट साइज देख लेंगे और प्रमोटर होल्डिंग, उसके अलावा हम आज के दिन में उसका कितना सब्सक्राइब हुआ है। जी दोस्तों, ये ऑलरेडी आईपीओ ओपन हो चुका है, तो आज हम देखेंगे कि वो ऑलरेडी कितना सब्सक्राइब कौन कौन सी कैटेगरी में हुआ है वो देखेंगे, और अंत में हम थोड़ा रिव्यू कर लेंगे, तो रजिस्ट्रार भी देख लेंगे, क्योंकि अगर रजिस्ट्रार आपको मालूम है तो आप ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और साथ में बेल आइकन भी दबाया होगा तो आप सबसे पहले देख सकते हैं। जी हाँ, ये सारा डिस्कस हम करेंगे ये आने वाले वीडियो में, और इसके अंदर हम अभी बात कर रहे थे अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड आईपीओ की डिटेल्स। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं अनुपम रसायन कंपनी की डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अनुपम रसायन 1984 में स्थापित हो गई थी। अनुपम रसायन भारत में कपास के संश्लेषण और विशेष रसायनों के निर्माण में लगी अग्रणी कंपनियों में से एक है। व्यवसाय में उनके पास जीवन विज्ञान से संबंधित विशेष रसायन, जो एग्रोकेमिकल्स, व्यक्तिगत देखभाल और दवा क्षेत्र में उपयोग के लिए की जाती है। अन्य विशेष रसायन जैसे कि स्पेशल केमिकल्स, पिगमेंट, डाइस, पॉलीमर एडिटिव्स एक्सेट्रा इत्यादि ये बनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत जैसे देशों में भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने के लिए कंपनी के कई बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे सिंजेंटा, एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सुमिटोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड को लिमिटेड के साथ एक मजबूत दीर्घकालिक संबंध यहाँ उन्होंने स्थापित किए हुए हैं। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 6 है, उनमें से 4 सचिन में है और 2 झगड़िया में है, और वहाँ पे उनका इंस्टॉल कैपेसिटी 23,438 मैट्रिक टन है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और कुछ आपको सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। आइए देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की प्रतिस्पर्धी ताकत क्या है। तो सबसे पहले तो भौगोलिक और उद्योगों में विविध ग्राहक आधार है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि उनके पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, वो भी पूरे इंडिया में, और अलग अलग ज्योग्राफीज और इंडस्ट्रीज को लेकर उनके पास विविध ग्राहक आधार है। उनके पास इन हाउस R&D टीम है, और उत्पाद नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उनकी R&D टीम हमेशा तत्पर रहती है। विविध और अनुकूलित उत्पाद पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड और कस्टमाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास। रणनीतिक रूप में स्थिति विनिर्माण सुविधाएं, मतलब कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, लगातार
वित्तीय प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड, इनके पास कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है जो ये बताती है कंपनी स्टेबल और आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, जहाँ दोस्तों इन कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है, मिस्टर आनंद एस देसाई, डॉक्टर किरण सी पटेल, मिस मोनाए देसाई, किरण पल्लवी इन्वेस्टमेंट LLC, राकेश इंडस्ट्रियल एंड रेसेंस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं, जहाँ दोस्तों इनके सबसे पहले हम टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनके मार्च 18 और 31 मार्च 20 और 31 दिसंबर 20 तक हम उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टोटल एसेट्स देखेंगे। टोटल एसेट्स मार्च 2018 में 10012.09 है, मार्च 31st 2019 में 1322.03 है, 31st मार्च 2020 में 16640.68 है, 31st मार्च 2020 में 19.2.15 है। ये सारे मिलियंस में है दोस्तों। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देख लेते हैं, मार्च में 3491.82, 31st मार्च 2019 में 5209.61, 31st मार्च 2020 में 5393.87 है और 31st दिसंबर 2020 तक इनका 5631.61 है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बढ़त दिखाई दे रही है, मतलब सारे जो ये डेटा आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पर लेकिन कंसिस्टेंटली इनका ग्रोथ हो रहा है। आइए देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद इनका प्रॉफिट कितना निकल के आता है। तो 31st मार्च 2018 में 403.41 है, 502.09 है, 31st मार्च 20 में 529 है और 31st दिसंबर 2020 में 480.94 है। तो यहाँ भी हमने देखा कि इनका जो फाइनेंशियल कंपनी का रिकॉर्ड है वो ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। कम है ग्रोथ पर लेकिन ये ग्रोथ के ऊपर लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये कितना परफॉर्म करना आएगा वो हम आगे देखेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुपम रसायन IPO के डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, इनके डिटेल्स में यहाँ पे ये इश्यू ऑलरेडी ओपन हो चुका है 12 मार्च को और ये क्लोज होगा 16 मार्च को। 16 मार्च 3 बजे तक ये IPO में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसीलिए ये 16 मार्च आपको तारीख याद रखना है। 16 मार्च तक आपको IPO में अगर एप्लीकेशन करना है तो ये 16 तारीख नोट कर लीजिए। 16 तारीख 3 बजे तक ये IPO आपको एप्लीकेशन करना है। ये इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इशू IPO है। फेस वैल्यू इनका 10 रुपया पर इक्विटी शेयर से। IPO प्राइस 553 to 555, 555। मतलब अगर आप ये नए आए हैं इन्वेस्टमेंट IPO में करने के लिए, तो दोस्तों याद रखिए, मैं आपको बता दूँ कि हमेशा अपर प्राइस बैंड पे ही आपको अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, 553 या 554 पे आप मत करिएगा अप्लाई, आप 555 जो इसका मैक्सिमम प्राइस रहता है, अपर प्राइस बैंड, उसी पे आपको एप्लीकेशन करना है। 555 पे क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आपके चांस बढ़ जाते हैं अलॉटमेंट के। जी हाँ दोस्तों, अलॉटमेंट आपका ज़रूर होगा अगर आपने 555 पर इक्विटी शेयर्स लिया है। फिर आपको पता है IPO में लक के ऊपर डिपेंड है कि आपका जो नसीब अच्छा है तो आपको IPO
जरूर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर रैंडम प्रोसेस के जरिए कोई भी एक एप्लीकेशन इनका सिलेक्ट किया जाता है और इनको अलॉटमेंट दिया जाता है। मार्केट लॉट 27 शेयर्स है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर्स है और ये लिस्टिंग होगा दोनों ही और NSE और BSE के प्लेटफॉर्म पर। मतलब कि ये अच्छी बात है कि NSE और BSE दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग है, क्योंकि अगर NSE पे ही लिस्टेड है तो कई कबार दिक्कत हो जाती है शेयर को बेचने में, और ये जो बड़े प्लेटफॉर्म NSE और BSE पे अगर लिस्टेड नहीं है तो कंपनी की रेपुटेशन का भी सवाल आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। इश्यू साइज इक्विटी ऑफ ₹10 एग्रीगेटिंग अप टू 760 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया IPO की डिटेल्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुपम रसायन IPO का टेंटेटिव टाइम टेबल। तो हमने जैसे कि अभी देखा कि ये मार्च 12 को ओपन हो गया है और ये क्लोज होगा 16 को। अलॉटमेंट डेट, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एप्लीकेशन कर रखा है तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट का आपको इंतजार रहेगा मार्च 19 को। यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को शाम तक आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट आपको हुआ है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अलॉटमेंट ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसीलिए मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जो इनके रजिस्ट्रार है उनके जो वेबसाइट है उस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो में भी मैं उनके रजिस्ट्रार कौन है वो आपको आगे बताऊंगा। अगर ये आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो मतलब कि आपको रिफ़ंड होगा। जी हाँ दोस्तों, मार्च 22 को आपको ये रिफ़ंड हो जाएगा, और अगर आपको ये IPO लगा है तो मार्च 23 को आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और IPO का लिस्टिंग डेट मार्च 24 है। जी हाँ दोस्तों, 24 को ये दोनों ही BSE और NSE के प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अनुपम रसायन IPO की लॉट साइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर एप्लीकेशन करना है तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज तो पता रहनी चाहिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम कितना लॉट पे आप अप्लाई करेंगे हम आगे यहाँ पे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम में एक लॉट में आपको 27 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं और इसका अमाउंट रहेगा 14,985। मतलब कम से कम आपके खाते में 14,985 रुपीस होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये रुपीस आपके अकाउंट में है तो आसबा के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये अमाउंट है वो लॉक हो जाएगा, मतलब कि ब्लॉक हो जाएगा, और अलॉटमेंट हुआ है तो डेबिट होगा, अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वापस आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। मैक्सिमम, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम देख लेते हैं। 13 लॉट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर 351 शेयर्स मतलब कि 1,94,805 रुपीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी देख लेते हैं अनुपम रसायन IPO के प्रमोटर्स होल्डिंग। यहाँ पे प्री इश्यू शेयर होल्डिंग इनके पास 75.80% है और बाकी 65.40 इनके पोस्ट इश्यू शेयर होल्डर है। दोस्तों देख लेते हैं इनका IPO सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। IPO सब्सक्रिप्शन बिडिंग डिटेल्स, जी हाँ दोस्तों, बिडिंग डिटेल्स हम कैटेगरी वाइज पूरा देखेंगे कि आज 12 मार्च तक 5 बजे तक कितना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, QIB में 0 हुआ है, मतलब QIB का अभी तक खाता नहीं खुला है। NII में 0.09 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टरों में पहले से एप्लीकेशन करने की हड़बड़ी मची हुई है, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे 2.58 टाइम्स ये
12 तारीख को सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ कैटेगरी भी है। इसके अंदर देखा जाए तो 0.30 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। टोटल देखा जाए तो 1.29 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो ये टोटल 1.29 टाइम्स यहाँ पे अनुपम रसायन आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हुआ है 12 मार्च की तारीख को। यहाँ दोस्तों, इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टरों में 2.58 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, और दो दिनों में आपको और पता चलेगा कि कितना ये और सब्सक्राइब्ड होता है। इस आईपीओ में आप एप्लीकेशन करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देख लेते हैं अनुपम रसायन आईपीओ के रजिस्ट्रार कौन है। जहाँ दोस्तों, अनुपम रसायन आईपीओ के रजिस्ट्रार कैफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड है, और ये इनका एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है। अगर आईपीओ में कुछ दिक्कत आती है तो ये फ़ोन नंबर और ये ईमेल आईडी और इनकी ये वेबसाइट पे आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रार इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रजिस्ट्रार है जो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस उनकी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दे रखी है, इनके ऊपर जाकर आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आइए दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि कंपनी का पूरा रिव्यू, जो डेटा एनालिसिस करके इसका कंक्लूजन क्या हो निकल के आता है, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है आपका, या कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर एक इस मुद्दे पर आक्रामक रूप से कीमती लगते हैं इनके इश्यू प्राइस। हालांकि विषय भविष्य में प्रदर्शन के रुझान के साथ जुड़े लाइफ कैरियर और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के बढ़ते फेस को देखते हुए कंपनी को उम्मीद है कि आगे भी अच्छी लिस्टिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें अच्छी लिस्टिंग होने की गुंजाइश है। इन पहलुओं को आधार पर लंबी अवधि के दाव की तलाश करने वाले निवेशक इस आईपीओ में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इस एप्लीकेशन करेंगे या नहीं। या दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आईपीओ के बारे में जिन लोगों को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट या फिर कंक्लूजन नहीं पता, तो प्लीज़ मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए उनको, और मुझे मोटिवेट करिए। जी हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और मुझे मोटिवेशन आप लाइक करके ज़रूर करिएगा। मैं हूँ निकुंज, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में।